स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर हेल्दी लिविंग। सो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज वुमेन टीथ एंड इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ टीथ, टूथ डिजीजेस एंड हाउ टू ब्रश आवर टीथ। सो स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि न्यू बॉर्न बेबी के जीरो टीथ होते हैं, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी के कोई टीथ नहीं होता। और आप जैसे एज के, यानी कि 7 to 12 एज में आपके 20 टीथ होते हैं, एंड देन अडल्ट यानी कि आपके फादर मदर के फुल सेट ऑफ 32 टीथ होते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि 4 टाइप्स होती हैं टीथ की, राइट? देयर आर 4 टाइप्स, व्हाट आर दे? यस, incisors, canines, premolars, and the last one is, yes, molars. So students, आज हम पढ़ेंगे कि how much teeth are there of types, यानी कि कितने types के teeth होते हैं और कितने होते हैं, and the functions of each teeth. हर teeth का अपना एक function होता है, वो क्या होता है आज हम पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको आपके सामने एक डायग्राम दिख रही होगी जिसमें आपको 4 टाइप्स ऑफ टीथ दिख रहे होंगे, यस, इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड द मोलर्स, यस। सो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा कि आप सामने वाले टीथ यानी कि बिल्कुल फ्रंट के टीथ 4 टीथ आर कॉल्ड इंसाइजर्स, अपर जोस के और नीचे वाले जोस के भी, अपर जोस एंड लोअर जोस बोथ साइड देयर आर 4 टीथ एट द फ्रंट साइड। फ्रंट साइड पे आपके 4 टीथ होते हैं आपके अपर जोस में भी और लोअर जोस में भी, उनको क्या कहते हैं? यस, इंसाइजर्स। इसी तरह आपको कैनाइंस दिख रहे होंगे जो कि इंसाइजर्स के फौरन बाद होते हैं, यस, 2 आर प्रेजेंट इन द अपर जो एंड द 2 आर प्रेजेंट एट द लोअर जो आफ्टर 4 इंसाइजर्स टीथ। और 4 इंसाइजर्स टीथ के बाद आपको अपर जो में भी और लोअर जो में भी 2 कैनाइंस दिख रहे होंगे, दे आर कॉल्ड कैनाइंस एंड दे आर पॉइंटेड शेप्ड। सिमिलरली आफ्टर ईच कैनाइन यू हैव सीन 2 प्रीमोलर्स, आपको हर कैनाइन के बाद 2 प्रीमोलर्स दिख रहे होंगे। 4 आर प्रेजेंट एट द अपर जो एंड द 4 आर प्रेजेंट एट द लोअर जो आफ्टर ईच कैनाइन, हर कैनाइन के बाद आपको 2 प्रीमोलर्स दिख रहे होंगे। 4 आर प्रेजेंट अपर जो, 4 आर एट लोअर जो, यस। आफ्टर प्रीमोलर्स 3 molars are present. After each premolars, हर 2 premolars के बाद आपको 3 molars मिलेंगे. Why they are called molars? Because they are larger than premolars. It means that you have 6 molars at the upper jaw and 6 molars at the lower jaw. 6 molars आपके अपर जो में होते हैं एंड 6 molars आपके लोअर जो में होते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी हैव लर्न्ड अबाउट द पोजीशन ऑफ द टीथ इन द माउथ। हमने ये पढ़ लिया कि कौन सा टीथ कहाँ प्रेजेंट होता है हमारे माउथ में। नाउ लेट्स मूव ऑन देयर फंक्शन। सो द फर्स्ट टीथ इज इंसाइजर्स एंड देयर फंक्शन इज बाइटिंग एंड कटिंग द फूड। सबसे पहले हमारा जो टीथ होता है, टीथ्स होते हैं, वो होते हैं इंसाइजर्स, जो किसके काम आते हैं? बाइट करने में फूड को और च्यू करने में फूड को। नंबर 2 इज कैनाइंस एंड द फंक्शन ऑफ कैनाइंस आर टियरिंग फूड। यस, ऐसा फूड्स को टियर करना होता है, लाइक मीट, एंड होल्ड फॉर होल्डिंग इट वी यूज द टीथ कैनाइन। हमें अगर किसी भी सख्त फूड को टियर करना होता है या होल्ड करना होता है तो वो कौन से टीथ करते हैं हमारे? यस, कैनाइंस। नाउ कम ऑन प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। सो द फंक्शन ऑफ प्रीमोलर्स एंड मोलर्स आर
चूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड। हमें जब किसी भी फूड को चू करना होता है और ग्राइंड करना होता है, यस लाइक अ ग्राइंडर, बहुत छोटे छोटे पीसेस में फूड हो जाता है, तो हम कौन से टीथ यूज करते हैं अपने माउथ के? यस प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज टू डिजीजेस। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट आर टू डिजीजेस? टू डिजीजेस क्या होती हैं? यस, जब हमें अपने टीथ का ख्याल नहीं रहता या फिर हम ऐसी चीज़ें खा लेते हैं तो हमें टूथ डिजीजेस हो जाती हैं, यानी कि टूथ की बीमारियां हो जाती हैं। नाउ यू हैव सीन सम ऑफ द पिक्चर्स, आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही होंगी जो कि टूथ डिजीजेस कहलाती हैं। नंबर वन इज कैविटी। यस, कैविटी आपको दिख रही है टीथ में कैसे होती है? यस, जब हम बहुत ज़्यादा मीठा खा लेते हैं तो हमारे दांतों में कैविटी हो जाती है, यानी कि उसमें कीड़ा लग जाता है। नंबर टू इज ब्लैक, यानी कि जब हम टीथ सही से साफ नहीं करते या फिर हमारा खाना टीथ में लगा रह जाता है तो वो ब्लैक बनाता है। नंबर थ्री इज स्वेलिंग गम्स। यस, जब हम ब्रश सही से नहीं करते और हमारे टीथ गम्स स्वेल कर जाते हैं, यानी कि हमारे मसूड़े फूल जाते हैं, तो हम उस डिजीज को क्या कहते हैं? यस, स्वेलिंग गम्स, यानी कि मसूड़े का फूल जाना। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको ये डिजीजेस समझ आई होंगी और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यस, अपने टीथ का ख्याल रखना चाहिए। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ इज यस ब्रशिंग टीथ। सो स्टूडेंट्स, हमें इन सब बीमारियों से बचने के लिए अपने टीथ को साफ रखना चाहिए और हमें साफ रखने के लिए अपने टीथ को क्या करना चाहिए? यस, टू टाइम्स ब्रश, यानी कि मॉर्निंग में और आफ्टर डिनर हमें क्या करना चाहिए? यस, ब्रश। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा, देयर आर सम स्टेप्स टू ब्रश योर टीथ। देयर आर फोर स्टेप्स, आपको फोर स्टेप्स अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे जो हम ब्रश करने के लिए करते हैं। ओके स्टूडेंट, देयर आर मोर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ योर टीथ। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हमें करना चाहिए अपने टीथ को हेल्दी रखने के लिए। नंबर वन, हमें दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए। वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे। नंबर टू, वी शुड यूज लेस स्वीट्स, हमें स्वीट्स कम खानी चाहिए ताकि हमारे दांतों में कैविटी ना हो। यस, नंबर थ्री, वी हैव टू ब्रश टीथ केयरफुली, हमें अच्छे से ब्रश करना चाहिए। नंबर थ्री, नंबर फोर, हमें एटलीस्ट आफ्टर सिक्स मंथ्स वी हैव टू विजिट डेंटिस्ट, हमें हर सिक्स मंथ बाद डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। नंबर फाइव, द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वी शुड नॉट शेयर आवर टूथ ब्रशेस, हमें अपना टूथ ब्रश शेयर नहीं करना चाहिए कभी भी। एंड आफ्टर ईच थ्री और फोर मंथ्स हमें अपना ब्रश चेंज भी करना चाहिए। आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको अपने टीथ के बारे में बहुत सारी मालूमात मिली होगी और अब से आप अपने टीथ का ख्याल रखेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपने आज इंजॉय किया होगा और आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो लेट्स समराइज आवर लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा? देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टीथ, इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसाइजर्स किस लिए यूज होते हैं? यस, टू कट एंड बाइट द फूड। कैनाइंस, यस, फॉर टियरिंग फूड। एंड वाई वी यूज प्रीमोलर्स एंड मोलर्स? यस, हम प्रीमोलर्स और मोलर्स को क्रशिंग और ग्राइंडिंग ऑफ फूड के लिए यूज करते हैं। और स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा? दैट वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, यानी कि हमें ब्रश करना चाहिए दिन में
बार एंड वी शुड नॉट ईट टू मच स्वीट्स, हमें बहुत ज्यादा स्वीट्स नहीं खाने चाहिए वरना हमें टूथ डिजीजेस हो सकती हैं. एंड द लास्ट वन इज वी शुड विजिट डेंटिस्ट इन एवरी 6 मंथ्स. आई होप सो स्टूडेंट्स देट आपने इंजॉय किया होगा. सो अल्लाह हाफिज टिल द नेक्स्ट लेक्चर. लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन.